नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जीत जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, जैसे कि आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे टारगेट इज पॉसिबल का मतलब क्या होता है, हर लक्ष्य संभव होना। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो इंसान के लिए असंभव हो। इंसान अगर चाह दे अपने सच्चे दिल से, सच्चे लगन के साथ उस पर लग जाए तो कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा मेन मकसद था, टारगेट इज पॉसिबल, हर लक्ष्य आपके लिए संभव है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को सुझाव देने वाला हूँ। गूगल के आने से पहले ठीक याहू और सीना दो ही सर्च इंजन थे जो कि नेटवर्किंग दुनिया में काम करते थे। अगर गूगल एक बार यहाँ पे ये सोच लेता कि ऑलरेडी पहले से ही सर्च इंजन का काम याहू और सीना कर रहे हैं, पता नहीं मेरी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, तो शायद गूगल इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी होती। रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब से पहले भी वी क्लिप्स की वीडियो ऑनलाइन वेबसाइटें थी जहां से आप लोग वीडियो देख सकते थे, जो कि यूट्यूब से पहले लॉन्च हुआ था वी क्लिप, उसके बाद यूट्यूब आया। अगर यूट्यूब ने सोचा होता कि ऑलरेडी वीडियो वाली वेबसाइट वी क्लिप वर्क कर रही है, पता नहीं मेरा यूट्यूब चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर ऐसा सोच लिया होता तो कहीं ना कहीं यूट्यूब इस समय मार्केट में नंबर वन पे नहीं होती। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ पे आप व्हाट्सअप, पेटीएम, इस तरह की अन्य और भी वेबसाइट जो फेमस हैं इस समय मार्केट में चल रही हैं, अगर आप उस तरह का सेम वेबसाइट बनाना चाहते हैं नाम चेंज करके या फिर काम को चेंज करके, तो आप लोग कैसे बनाएंगे और उस तरह का सपोर्ट आपको कहां से मिलेगा, इसी के ऊपर मैं यहां पे जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं कुछ नई जानकारी लेना, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक वेबसाइट खोला हूँ, likewebsite.in। यहाँ से दोस्तों आप व्हाट्सअप, बिटकॉइन जैसी वैलेट, JD, पेपल वेबसाइट लिंक, एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर, OLX, जोमाटो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाला बाल कार, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, इस तरह की अन्य जितनी भी वेबसाइटें हैं जो मार्केट में रन कर रही हैं। अगर आपके भी अंदर हौसला है कि इस तरह की वेबसाइट आप मार्केट में चला सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि इस वेबसाइट के लिए आपको कहाँ पे संपर्क करना है और कहाँ से सेम वैसे ही कंडीशन की वेबसाइट आपको रजिस्टर करानी है, कैसे लेनी है, इस तरह की अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो, तो आप लोग likewebsite.in पे आके यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, नंबरों पे बात कर सकते हैं और यहाँ से उन पूरी सर्विसों के बारे में जान के किसी भी एक सर्विस को आप बाय करके अपने खुद के नाम, खुद के लोगों से इसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। और अगर एक बार आपकी सर्विस मार्केट में लाइव हो गई, चल पड़ी, तो कहीं ना कहीं आप दिन दुना रात चौगुना बढ़ते चले जाएंगे और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार आप लोग कोशिश करके तो देखिए, कोई भी इस ज़माने में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। अगर आप मन से चाह दें कि मुझे करना है तो करना है, तो आप ज़रूर कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपके पास करने के लिए कुछ लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और कुछ इन्वेस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे। अगर आप अकेले नहीं कर पाते हैं तो एक ग्रुप बनाइए, एक टीम बनाइए, वहाँ पे इसके बारे में सलाह दीजिए। हम लोगों को भी इस तरह के एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि इस समय लोग विदेशी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप देसी नाम दीजिए और देसी वर्क कीजिए और सर्विस सेम वही दीजिए, आपके सर्विस में कोई भी इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। जैसे कि आपको अगर व्हाट्सअप जैसा बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सेम व्हाट्सअप जैसा चैट वाला सिस्टम, ऑडियो कॉल सिस्टम, वीडियो कॉल सिस्टम, सेम वही फीचर्स आपको भी ये वेबसाइट मुहैया कराएगी। चाहे आप व्हाट्सअप स्टार्ट करें, चाहे पेपल, चाहे JD, चाहे पेटीएम, चाहे पेफोन, जिस इस तरह की कोई भी सर्विस को अगर आपको बनवाना हो या फिर लेना हो, इस तरह की कंपनी को स्टार्ट करना हो, तो आप लोग likewebsite.in पे आके संपर्क कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास इतनी सहनशीलता हो, इतने लंबे तौर पे काम करने की क्षमता हो, तो आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा, एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं आप इस काम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बा और अनुभव मिल जाएगा, और आप आगे चल के कोई और भी काम स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। आप भी अपने सोच को बड़ा कीजिए, क्योंकि सोच बड़े होना चाहिए तभी कोई काम होता है। सोच अगर छोटा रहेगा तो आप लाइफ टाइम छोटे ही स्तर पर सोचते रहेंगे। सोच बड़ा कीजिए और कुछ बड़े स्तर पर करने के बारे में कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड होता है, कुछ ना कुछ
एक्स्ट्रा करने की शक्ति सबके पास होती है। सबके पास अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ करने की क्षमता होती है। अगर वे चाह दे हर एक काम संभव है। दोस्तों, आप लोग मेरे द्वारा बताए गए बातों से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा। क्या आप भी इस तरह की क्रिएटिव माइंड रखते हों? क्या आप भी इस तरह के काम करने के लिए इच्छुक हों? तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, इस वीडियो में जरूर कमेंट करेंगे कि आप भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। अगर आपको इससे बेटर कहीं और पे मिलता हो तो आप लोग वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।